लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर पंजाब में 40 साल हुक्मरानी करने वाले सिख लीडर महाराजा रणजीत सिंह की 183वीं बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 500 के करीब सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए, जहां पर मथरोगा वक्फ इमलाक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी राणा शाहिद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि प्रधान सरदार अमीर सिंह, डिप्टी सेक्रेटरी इमरान गोंदल, बोर्ड तर्जमान आमिर हाशमी, सिक्योरिटी इंचार्ज अमजद अल्ताफ और दीगर अफसरान और सिख रहनम उनके हमरा थे। राणा शाहिद ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि चेयरमैन बोर्ड हबीबुल रहमान गिलानी के खसूसी अहकामात की रोशनी में भारत से आने वाले मेहमानों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। प्रधान सरदार अमीर सिंह का कहना था कि ट्रस्ट बोर्ड ने PSGPC के साथ मुकम्मल मशावरत के साथ इंतजाम मुकम्मल किए हैं, जिस पर हम मुतमईन हैं। डिप्टी सेक्रेटरी इमरान गोंदल ने बताया कि महाराजा रणजीत सिंह की बरसी की तकरीब 29 जून गुरुद्वारा डेरा साहिब में होगी। बोर्ड तर्जमान आमिर हाशमी के मुताबिक सिख यात्री लाहौर से स्पेशल ट्रेनों के जरिए ननकाना साहिब पहुंच गए हैं।